ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸೋಚ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾ ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಕೊಂಗುತ್ತಾ ಯಾ ಯಾ ಯಾಕ ತದ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ आकाश के अंदर ये बिल्ली कड़कती है मैडम, और बिल्ली को बड़ी बड़ी लॉन्गेस्ट इमारतों को बचाने के लिए ये लगाया जाता है लाइटिंग कंडक्टर मैडम, उसके लाइटिंग अरेस्टर अच्छा। वो है मैडम जी, और टॉप से लेके बॉटम में गया है फाउंडेशन आपको हाँ। तो नीचे डाउन में वो आगे वाले 11 डोम में अच्छा हाँ। समझ गया समझ गया। ये मैडम ये अब देखिएगा मैडम फाउंटेन वाली लाइन में बिल्कुल एक लाइन में थी। अब देखिएगा सदर्न गेट साउथ गेट, तो साउथ गेट के ऊपर 23 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हैं मैडम, और 23 स्टेयर्स के ऊपर चढ़ेंगे अभी हम लोग। तो मैडम तो वो साउथ गेट मतलब वो साउथ गेट और साउथ गेट का अंदर वाला पार्ट वो लेकर चल रहे हैं। अब इधर देखिएगा हाँ जी बोलो। वो उन लोगों को हाथ नहीं काटा था मैडम, टाइम लग गया था, जो यंग था ना वो भी बुरा हो गया था। 22 साल में बना था ना ताजमहल, 20 साल का वो 40 का हो गया, 40 का वो 60 का हो गया, 60 का था वो 80 का हो गया, 80 का हो गया वो भगवान को प्यारा हो गया। तो उन लोगों को आर्टिस्टियन को 50-50 गाँव का ओनर बनाया था, लैंड ओनर मैडम, उनको जमींदार बनाया मैडम उन्होंने। और उसका जो बचा हुआ मार्बल था ताजमहल का, उसका आगरा फोर्ट के अंदर एक इमारत बना हुआ है जिसको बोलते हैं मीना मोती मस्जिद मैडम, मोती मस्जिद। लेकिन उसको मारे है, बोला है ना, ना 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 काटा नहीं। हम लोगों को जब दर्शन किया हम लोगों ने प्रोफेसर साहब से एक क्वेश्चन के हम अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। मैंने एंट्रेंस है ताजमहल के मुजोलियम में जाने का, उससे पहले यहाँ इसके दो फ्रेम पे ये डिजाइन बनी हुई है ना, इसमें हीरे जवाहरात मूंगा पन्ना नीलम आप लोग जो आप लोग अंगूठे में पहनते हैं मैडम वही सब लगी हुई है। तो मैडम ये रेड वाला ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्टार रूबी है मैडम। हाँ मैडम, ये मंगाया गया मैडम बर्मा से, और ग्रीन वाला है मैडम एमराल्ड मेलाकाइट, ये आया मैडम साउथ अफ्रीका से, और मैडम कॉर्नर पर टाइगर आइज थाईलैंड से, ये ब्लैक ऑनेक्स बेल्जियम से, और अंदर भी आपको और अंदर भी है हमको और बताता हूँ उसको। देखिए सिंगल देखिएगा, एक मास्टर पीस है कार्विंग का, पूरा का पूरा कार्विंग जो किया गया है मैडम
यू हैव टू सरप्राइज किया है, ये कार्विंग जो किया है वो किया है इन्वाइट किया बादशाह ने, और फर्स्ट टाइम यहाँ आया और फर्स्ट टाइम उन्होंने कार्विंग किया इसका, सफल हुआ सच्ची ब्यूटीफुल कार्विंग मैडम आपके साथ। और सेकंड डिजाइन है इसका डो फ्रेम का, देखिएगा डिजाइन देख रहे हैं, ये हनीकॉम का डिजाइन है। आप लोग अब मांगते हैं ना मार्केट में हनी कॉम कूलर दिखाइए, तो आज से 400 साल पहले इस तरह का ये डिजाइन बना मैडम, देख रहे हैं आप। तो इसकी क्या खासियत है मैडम, जो हार वेदर में तो गर्म हवा चलेगी मैडम, उसमें से 5 रुपये की जाएगी ठंडी मिल जाएगी। आ जाइए, अब अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ओके या तो नाम लोग लपर गया मिलता था वीडियो दपर नहीं का गया मिल दो या या तो स्टॉप शेयर इसे हाँ वीडियो एलर्ट मित्रा गया शेयर अब देखो मैडम व्हाइट मार्बल नेट को बनाने में लगा मैडम 13 इयर्स और खर्चा आया 11 लाख रुपीज का मैडम इसको बनाने में, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, जॉइंट लेस इसका डिजाइन, और बीच में जो देख रहे हैं एक बाजार इधर मैडम, तो इनमें मैडम फ्लावर्स और लीव्स बनी हुई है फूल पत्तियाँ, उधर मैडम देख रहे हैं कुछ लेटर लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा अंदर ब्लैक लेटर मैडम बॉर्डर में, हाँ मैडम तो देखिएगा मैडम तीन अंदर दीजिए अंदर दीजिए ये हम लोग खड़े हुए हैं ताजमहल की बैक साइड में, तो बैक साइड में यमुना नदी बह रही है, उसके उस साइड में देखिएगा राइट बैंक में जो देख रहे हैं वहाँ एक प्लिंथ नजर आ रही है गोल गोल, तो वहाँ बादशाह शाहजहाँ एक और ताजमहल बना रहे थे अपने लिए इंसान में, व्हाइट मार्बल का ताजमहल बनाया बेगम के लिए, ब्लैक मार्बल का ताजमहल अपने सन के लिए बना रहे थे, लेकिन इससे पहले उनके बेटे औरंगजेब भी हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया वहाँ आगरा फोर्ट में, तो मैडम वो नहीं बन पाया, उनकी प्लानिंग थी कि व्हाइट मार्बल ताजमहल से ब्लैक मार्बल ताजमहल तक एक सोने और चांदी का झूलता हुआ पुल बैठिए और झूलते हुए जाइए, लेकिन वो उस कारण नहीं बन पाया मैडम। आइए अच्छा, अगर आपको बड़ा स्टॉर्म आता है तो ये इमारत के ऊपर ना गिरती मैडम बाहर की तरफ गिरे, और ताजमहल को जब बने हुए मैडम अभी आप 400 ईयर्स हो गए हैं, ताजमहल की एज 400 ईयर्स हो गई है मैडम। अभी एक चीज़ एक बार कमाल की दिखाता हूँ, आइए मैडम एक एक देखिए चार पार्ट है इसके, एक यहाँ से यहाँ तक एक दो और एक मैडम हाथ रहेगी ठीक है, और एक ही चार, और थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं हम थोड़ा पीछे से देखते हैं तो मैडम ये आठ दिखाई देते हैं, हमारा पार्ट दिखाई देता है हाँ जमुत होता के शर्मा से मिला, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा गाइड किया हमको ताजमहल के बारे में, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भैया आपको, मुझे खुजल के शर्मा देखो मैंने खुरा गए गाइड पे आप छो ताजमहल पे आप छो देशे आप गया सो अने और बोलना चाहेगा कुछ बोलो हमारा तो देखेगा आप लोग मैडम लोगों को मैं ताजमहल घुमा चुका हूँ बहुत अच्छे से है ना, और आप बताइए ना मैडम कैसे घुमाया है मैंने, आप बोलिए हमने बोला हमने बताया देखिएगा मैडम ठीक है, तो अभी आप लोग खाना खाने जाएंगे प्रिंस ऑफ स्पाइस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट यस पर्पल दे रहे मॉस ओके हैंड वॉश यू दिस वे इसके दे पर या कुछ ताज मिल गई पर नीचे मुझे शस्त ऊपर बटन ना नीचे का नीचे जी ओ तो क्या रहा है इसके
प्रॉब्लम कर रहे हैं ये डॉक्टर और नकल खा रहे हैं ये शो लोग बहुत अच्छे से सुन रहा है कि हमारे यहां